काफ़ी ज़्यादा जो परेशान है वो इस चीज़ से परेशान है कि बुलडोज़र बाबा के नाम से ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, इलीगल केसेस हो रहे हैं तो बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो इससे काफ़ी लोग नाखुश। कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था एकदम स्ट्रिक्ट है, एकदम परफेक्ट है ये मान लीजिए सर। और यूपी में जो योगी ने सरकार बैठाई है ना, एकदम परफेक्ट है सर। बुलडोज़र बाबा हैं, जहाँ तहाँ बुलडोज़र चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसको किस तरह से देखते हैं? जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, तानाशाही दिखाते हैं, उनके लिए एकदम सही है। योगी जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है, सिस्टम में भी सुधार हुआ है, बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी आए हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे टर्म का जो कार्यकाल 3 महीने पूरा हो चुका है, और इस 3 महीने के अंदर में जो है क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पर, और हम अभी उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि योगी सरकार ने इस 3 महीने में कितना काम किया और क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं, क्या क्या नए काम हुए, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही, और लोग यहाँ पर लोग खुश हैं या क्या क्या देखते हैं? कितना काम हुआ अभी 3 महीना पूरा हो गया इस योगी सरकार का? कितना काम हुआ यहाँ पर? सर काम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार बहुत अच्छी है, यही कह सकते हैं इसके बारे में। कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था एकदम स्ट्रिक्ट है, एकदम परफेक्ट है ये मान लीजिए सर। अच्छा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गुंडागर्दी नहीं सर, कोई गुंडागर्दी नहीं है। खास करके अगर देखा जाए तो एक कौम के हिसाब से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपी में जो योगी ने सरकार बैठाई है ना, एकदम परफेक्ट है सर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कई बार ये लगता है कि बुलडोजर बाबा है, जहाँ तहाँ बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं सर, वो उनके खिलाफ है ना, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं है। जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, तानाशाही दिखाते हैं, उनके लिए एकदम सही है बस। जब भी देखा गया कि बाबा को बोलते हैं ये बुलडोजर बाबा हैं, जहाँ तहाँ जो है ये धर्म और जाति को दे करके टारगेट किया जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या जो कानूनी तौर से जो है इलीगल है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है या कोई? सर अगर यूं तो हमारे परिवार को कोई बोलेगा तो हमको भी गुस्सा आएगा, भाई वो भी इंसान है, भगवान किसी को मानना गलत तो नहीं है, हमारी श्रद्धा है, हम किसको मान रहे हैं, लेकिन उनको आप गाली दोगे ये तो सरासर गलत है ना सर। तो बस वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं सर। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है, मोदी जी योगी जी जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि ये बुलडोजर जो है केवल जो है व्यक्तिगत दुश्मनी या धर्म और जाति को देकर के कार्रवाई हो रही है। धर्म जाति के लिए योगी जी ने कभी कुछ नहीं कहा है, मुस्लिम अपना धर्म निभाए, हिंदू अपना धर्म निभाए, उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलडोजर उनके लिए चल रहा है जो उनके खिलाफ है, खिलाफ का मतलब जैसे जो उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा, जो नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है उसके लिए है। लगातार दूसरा टर्म है उनका, 5 साल पहले रहे, अब दूसरा है, अरे 3 महीना पूरा हो चुका है, इन 3 महीने में जो रिपोर्ट कार्ड है किस तरह से, कितना नंबर देते हैं आप 3 महीने में, कितना काम हुआ? सर मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा, क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा नक्शा बहुत बड़े पैमाने पे बदला है, और कहा जाए तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है सर। जैसे कि पहले 5 साल पहले सर गाँव में बिजली, मैं अब खुद के गाँव को लेकर बताता हूँ सर, मेरे गाँव में 5 साल पहले बिजली का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज बिजली और डिजिटाइजेशन और बहुत सारी चीज़। क्या नाम है भैया? निर्देश यादव। कितना काम हुआ 3 महीने पूरे हो गए योगी सरकार के, कितना काम हुआ यहाँ पर, क्या रिपोर्ट कार्ड क्या है? यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ, अभी कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, कुछ काम नहीं। कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था तो जो है सही है, कानून व्यवस्था तो सही है। 3 महीने में तो अभी तो वही होगा ना, कानून व्यवस्था से होगा, 3 महीना हो रहा है अभी, लेकिन क्या चाहते हैं आप 3 महीने में, कितना काम होना चाहिए, किस तरह का काम चाहते हैं? काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, काम होगा, काम होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये है कि अभी कानून व्यवस्था ही ठीक कर पाई योगी सरकार और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ रहने वाले हैं, ये 3 महीना हो गया योगी सरकार का, अब इस 3 महीने में जो है कितना रिपोर्ट कार्ड क्या देते हैं हम, कितना काम हुआ अभी योगी सरकार में? नहीं देखिए, पहले गवर्नमेंट के कंपेरिजन में अगर बोला जाए तो योगी जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है, सिस्टम में भी सुधार हुआ है, बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी आए हैं, जितने करप्शन था पहले उस टाइप से नहीं है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट ठीक कर रही है, फर्स्ट टेन्योर भी ठीक की है, अभी सेकंड टेन्योर अभी तो होना है, और हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि गवर्नमेंट अच्छा करेगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के कार्यकलापों के खिलाफ
या कोई भी कानून जो बनता है अगर एक्शन होता है तो उसमें विरोध भी होता है। विरोध प्रदर्शन करने का तरीका लोगों ने आजकल ये देख लिया है कि इस पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले करना, वाहन फूंकना, उसमें ये नहीं देखा जाता है किसी गरीब का जो है ऑटो रिक्शा जिसमें उसकी रोजी रोटी चलती है, इस तरह के वाहनों को जो है क्षतिग्रस्त कर देते हैं। योगी जी बोलते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नष्ट करेगा तो हम 7 पीढ़ी तक जो है उसका रिकवरी करेंगे। बुलडोजर चलता है तो उस वक्तव्य को किस तरह से ले, उस एक्शन को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, कोई भी हिंसा हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जस्टिफाइड नहीं है। आप अपना बात रख सकते हैं लेकिन पीसफुल तरीके से, ये नहीं कि तोड़ फोड़ मचाएं और दूसरे को डिस्टर्ब करें, ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये आपको एक क्वालिफाइड नागरिक होने के पर से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप तो जो भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप अक्रॉस द टेबल बैठकर आप उसको समाधान खोजिए, बजाय तोड़ फोड़ और करने से। ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, समझना पड़ेगा, टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है और अल्टीमेटली आम जनता, गरीब जनता लोग सफ़र करते हैं बिकॉज तोड़ फोड़ से इन लोगों का रोजी रोटी हमेशा छीन जाता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। 3 महीना हो गया इस सरकार का, जो नई सरकार बनी है, योगी जी का दूसरा टर्म है, 3 महीना पूरा हो गया है। इस 3 महीने में कितना जो है रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है योगी जी का अभी करने का? अभी तक तो देखिए 3 महीने में इतनी बड़ी यूपी की इतनी बड़ी जनसंख्या में अभी तक अगर हम 3 महीने का सिर्फ कार्य देखेंगे तो उस चीज़ में हमें शायद थोड़ा कम समझ में आएगा। जैसे कि हम अगर बात करें 5 साल के कार्य का, तो उसमें एक बार को रिपोर्ट देख सकते हैं, चाहे वो रेप के केसेस हुए, चाहे वो मतलब इलीगल केसेस हुए, चाहे वो गुंडेगर्दी का केसेस हुए, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हमें कम नज़र होती आई हुई हैं और काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली जो जनता एक्सपेक्ट नहीं भी कर रही थी। चाहे जैसे मतलब इस एक सरकार को आने के बाद काफ़ी पार्शियलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही, हिंदू मुस्लिम केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपेरिजन टू जो पिछली सरकारें थी। तो कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत है। अगर हम बात करें सिर्फ 3 महीने की तो इसमें हम बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो परेशान है वो इस चीज़ से परेशान है कि बुलडोज़र बाबा के नाम से ज़्यादा फेमस हो रहे हैं कि भाई बुलडोज़र चल रहा है तो इससे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, मतलब इलीगल केसेस हो रहे हैं तो बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो इससे काफ़ी लोग नाखुश है। लेकिन दिक्कत जो सबसे ज़्यादा झेल रहा है वो है हमारी आम जनता जो बहुत निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही लोग कार्य कर रहे हैं, इनकी कितनी इनकम होगी, ये अपनी कितना मंथली कमा के अपना चला लेते होंगे। हमें सोचना इन वर्ग लोगों के लिए है, वो ऊँचे वाले वर्ग तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन सोचना इन वर्ग के लिए, ये कैसे अगर इन पर बुलडोजर चला दिया जाए, इनको रोक दिया जाए, ये बेचारे कहाँ जाएंगे है कि अगर जो गलत करेगा, गलत करने का जो इलीगल तरीके से जो प्रॉपर्टी है या गलत काम करेगा, प्रोटेस्ट करने का, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रोटेस्ट होता है सरकार के, लेकिन आगजनी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करना, किसी गरीब आदमी के रिक्शा तांगे को जो है आग के हवाले करना, उस पर अगर एक्शन होता है तो इस पर भी लांछन लगता है कि बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ तो गलत है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अग्निपथ वाली स्कीम आया है, ये जो अग्निवीर वाला जो स्कीम चल रहा है, इसमें जो छात्र कर रहे हैं वो एक हद तक बहुत गलत भी माना जा रहा है। वो क्यों माना जा रहा है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए यही ठेली अभी अचानक से एक भीड़ आए, छात्रों की भीड़ है और यहाँ पर जलाना फूकना स्टार्ट कर दें, इनकी क्या गलती है उसमें? इनकी तो कुछ गलती नहीं। आप वही चीज़ स्ट्राइक आप शांति से भी कर सकते हैं, आप वही चीज़ एक धरना लेके शांति, गांधी जी हमारे देश को पूरा आज़ाद करवाए अशांति उस पर, सॉरी शांति की उस पर करवाए, किसी प्रकार की वो नहीं हुई है ना। तो अगर चाहें तो वो शांति के तौर पर भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम आग लगाएं। कोई एक व्यक्ति कितनी मेहनत से, अब ये कमर्शियल गाड़ी जितनी चलती है, कितने मेहनत से वो इस गाड़ी को खरीदा होगा, कितना उसका किसी किसी उड़दंगे हैं, उड़दंगे हैं, उन पे अगर बाबा जो है एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए बिल्कुल।